अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन को कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे मुहूर्त निकाल के किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया को इतना शुभ क्यों माना जाता है? इसे युगादि तिथि भी माना जाता है। इस संबंध में आज हम आपको 7 पौराणिक कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि के 6 अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। ब्राह्मण होते हुए ये स्वभाव से काफ़ी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय वाले गुण थे। कहते हैं जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे उस दिन अक्षय तृतीया थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने थे जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल बना दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। इस दिन त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इस दिन शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त के तौर पर इसे बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथी के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई।